खबर पौड़ी से, राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां समय पर पूर्ण करें जिलाधिकारी। राज्य गठन में शहीद हुए शहीदों को एजेंसी चौक शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। 23वें राज्य स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाए जाने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ तैयारी बैठक की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को राज्य स्थापना दिवस की सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 7 से 10 नवंबर तक जनपद के समस्त कार्यालयों में LED बल्ब के माध्यम से प्रकाशमान किए जाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़े महानुभावों और राज्य आंदोलनकारियों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने पुलिस विभाग को कार्यक्रम स्थल पर शांति व्यवस्था बनाए जाने को लेकर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर विभागीय स्टॉल लगाकर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित भी किया जाएगा। इसको लेकर LED बल्बों से धीमी रोशनी की जा रही है, प्लस आपका जो हम लोगों का कार्यवृत्त जारी हुआ था उसमें शहीद स्मारक पर एजेंसी चौक में जो कार्यक्रम होना है वो शहीदों के चित्रों पर आगामी स्थापना दिवस का जो प्रोग्राम होना है उसके संबंध में विभिन्न विभागों को या जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन लोगों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इस संबंध में कोशिश ये की जाएगी कि जो हमारे सम्मानित राज्य आंदोलनकारी हैं उनका प्रतिभाग सुनिश्चित किया जाए प्रोग्राम में और उनको उनके सम्मान या उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें उन्हें इंश्योर भी किया जाए और राज्य आंदोलन में जिन लोगों का इतना योगदान था, आधारभूत योगदान है, उसे उसकी स्मृति में बेहतर तरीके से एक प्रोग्राम कंडक्ट करवाया। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।